स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम JCERT क्लास 7 हमारे विरासत इतिहास के अध्याय 8 आस्था और विश्वास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, नैनार और अलवार साधु संत खाली स्थान प्रवृत्ति के होते थे। इसका उत्तर है घुमक्कड़। नैनार और अलवार साधु संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। अगला प्रश्न है, अलवार संतों में एकमात्र महिला संत खाली स्थान थे। इसका उत्तर है अंडाल। अलवार संतों में एकमात्र महिला संत अंडाल थी। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का दर्शन खाली स्थान कहलाता है। इसका उत्तर है अद्वैतवाद। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, वीर सेवाद कर्मकांड और खाली स्थान के विरोधी थे। इसका उत्तर है मूर्ति पूजा। वीर सेवाद कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम खाली स्थान को प्रोत्साहित किया। इसका उत्तर है एकता। सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के उपदेश खाली स्थान में संग्रहित है। इसका उत्तर है आदि ग्रंथ। गुरु नानक के उपदेश आदि ग्रंथ में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए, जिसमें पहला कॉलम संत है, शंकर देव, मोइनुद्दीन चिश्ती, रामानुज, गुरु नानक, कबीर, और दूसरा खंड स्थान अजमेर, असम, राजस्थान, वाराणसी, तलवंडी। इसका उत्तर है संत, शंकर देव, असम, मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर, रामानुज, तलवंडी, गुरु नानक, वाराणसी और कबीर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका उत्तर है, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव नैनार और वैष्णव अलवार संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, श्रीमद भागवत गीता के अनुसार मनुष्यों को पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे मिल सकती है। इसका उत्तर है, श्रीमद भागवत गीता के अनुसार मनुष्य जब भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाए तो उसे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल सकता है। अगला प्रश्न है, लोग सूफी संतों के मजार पर क्यों जाते हैं। इसका उत्तर है, लोग सूफी संतों के मजार समाधि स्थल पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। कई लोग अपनी मन्नतें लेकर भी इन स्थानों पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा गया है। इसका उत्तर है, मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। इसका उत्तर है, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे। इसका उत्तर है, कबीर हिंदू मुस्लिम समन्वय के पक्षधर थे। वे एक धर्म सुधारक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। कबीर ने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांत को अस्वीकार माना है। उन्होंने संन्यास मार्ग नहीं अपनाया बल्कि परिवार के साथ रहते हुए भी धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर कठोर आघात किया। कबीर स्वतंत्र विचार के थे। इन्होंने दोनों धर्मों की बुराइयों की खुलकर आलोचना की है। अगला प्रश्न है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं। इसका उत्तर है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थी। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के रूप में यदि ईश्वर जन्म लेंगे तो वो भी जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाएंगे। गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों एवं आडंबरों का जोरदार विरोध किया। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय भारत में अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ। इसका उत्तर है, निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे। उनके शुद्ध एवं सरल आचरण और साधारण रहन सहन ने आम जनता को काफी प्रभावित किया। घास फूस की झोपड़ियों में रहते हुए उन्होंने बादशाहों के कीमती तोहफे को ठुकरा दिया। उन्होंने भारतीय वेशभूषा को अपनाया, हिंदू मुस्लिम जनता को समान अपनापन दिया। उदार दृष्टिकोण के कारण उनके खानकाह में सभी धर्मों के लोग आते थे। सूफी संतों ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कव्वाली व गान को प्रश्रय दिया। इन कारणों से चिश्ती भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय बन गया। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के प्रमुख संदेश क्या थे। इसका उत्तर है, भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। वे जगत को मिथ्या तथा ब्रह्म को ईश्वर को सत्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। उन्होंने संसारिक मोह माया को छोड़ संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने पर बल दिया।
उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। आपको वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।